कल तक करवा अपनी लाल प्याज को मंडी में पहुंचा रहे। तो हमारे साथ जो फल सब्जी मंडी प्रदेश अध्यक्ष हैं पप्पू भाई प्रधान, किसानों के मसीहा ज़्यादा है, वो जो आड़तियाँ कम है तो किसानों की मसीहा ज़्यादा है, हर टाइम जो किसानों की मदद करते रहते हैं। ऐसे जो पहली बार देखा होगा जो व्यापारी है जो किसानों की मदद करता है, और तो अब उनके जो घर पर किसान काफ़ी संख्या में प्याज के कट्ठे लेकर आए, उनसे जानना चाहेंगे। सर बताइए, अलवर का प्याज 15 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक चलता है, पिछले 40 साल से अलवर में प्याज होती है, और पहले ये प्याज दिल्ली बिकने जाती थी। दिल्ली के बाद हम सब किसानों ने व्यापारियों ने मिलकर तय किया कि हम इस प्याज को अलवर बेचेंगे। शुरुआत में हमें काफ़ी परेशानी आई व्यापार में, लेकिन वर्तमान की स्थिति है कि अलवर का प्याज की एक बड़ी मंडी बन गई है, जिसमें खैरथल की मंडी भी है, जिसमें तिजारा की मंडी भी है, मालाखेड़ा मंडी है, बड़ोद मंडी है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में प्याज आता है। और हमारे यहाँ पर जो प्याज आता है वो प्याज पूरे हिंदुस्तान में इसका स्वाद का एक अलग जायका होता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि राजस्थान की सरकार कृषि उपज मंडी समितियों पर कोई कार्य नहीं करती है। किसान मंडी में प्याज लेकर आता है, प्याज बिकता है, तुलता है, उसके बाद किसान अपने घर चला जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बरसात आती है तो हम लोग खड़े तमाशा देखते हैं, हमारी प्याज बिकती रहती है। ये मेवात का एरिया है जिसे मेवात अंचल कहते हैं। इस अंचल के अंदर हमारा मुख्य काम वर्तमान में कृषि है, पशुपालन है, कृषि में भी प्याज की फसल रहती है, जिससे हमें 2% उम्मीद होती है। इस बार प्याज के बाजार ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर व्यवस्थाओं का बड़ा अभाव है। अगर व्यवस्थाएँ और ठीक होती तो शायद हमारे किसान को पैसा और अच्छा मिलता। अभी वर्तमान में मंडी में 40-50 हज़ार कट्टे, 60 हज़ार कट्टे की आमदनी है, और बाज़ार भी हमारे यहाँ पर लगभग 30 रुपये से लेके और 60 रुपये किलो बिक रहे थे। हमारे यहाँ के माल विदेशों में भी जाने की स्थिति पर है, बॉर्डर पर भी हमारे माल गए हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हम प्याज की यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। आने वाले समय में प्याज का, वैसे तो ये मौसम की फसल है, इसके ऊपर कुछ कहना बड़ा कठिन है, और कह दे आदमी तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन प्याज के बाजार आम सामान्य तौर पर ठीक रहने की उम्मीद है। वैसे इन दिनों में अभी नासिक के प्याज का भी अराइवल चालू हो गया है, शायद उससे भी कोई फर्क पड़े, लेकिन हफरा तफरी का व्यापार जो है वो अभी हमारे यहाँ चल रहा है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था है। किसान के कहीं ना कहीं डर भी है कि चुनाव बाद कहीं जो मीडिया है सरकार बंद कर देती है, इसके किसानों को कैसा हो? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूँ। किसानों की आय दुगनी करने के उन्होंने तरीके नहीं बताए, उनका लक्ष्य था 2022 में किसानों की आय दुगनी करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने आय दुगनी करने के बजाय किसान की आय खत्म कर दी। पिछली बार अच्छा प्याज का व्यापार चल रहा था, जब बाजारें हमारे यहाँ पर 15 से 20 रुपये किलो थी, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जी ने बिगर सोचे समझे प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। अभी वर्तमान में हमें डर ये है कि महाराष्ट्र का चुनाव है, सरकार हो सकता है चुनाव का लाभ लेने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट खोल रखा हो। अभी वर्तमान की स्थिति में सब किसानों को डर है कि सरकार महाराष्ट्र के चुनाव के हिंदुस्तान से जो बाहर निर्यात होने वाली प्याज है उस पर रोक लगा दे तो शायद हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। कहीं ना कहीं